क्या ढूंढ रहे हैं शशिकांत जी? ओ, आप भी आ गई? फिर क्या, मैं भी हूँ। तो मतलब ये है कि दिल का मामला आपको भी पता चल गया? अरे दिल ये शब्द से कौन वाकिफ नहीं है, दिल तो सारी दुनिया में दिल से ही पुकारा जाता है। तो ये दिल के माने में बेल्जोन टीवी क्या बोल रहा है? शशिकांत जी, आप हम सभी को, मुझे और व्यूअर्स को उल्लू बना रहे हैं। क्यों, इसमें कहाँ उल्लू बनाने की बात आ गई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये दिल का क्या मामला है वो तो आप अभी बताओगे ना। ओ, अब नए शो की कहीं तो बात नहीं कर रही है क्या? तो ऐसा सीधा बोलो ना, टेढ़ी उंगली करके घी निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे हर बार आप कुछ न कुछ नई चीजें तो लाते हो। ऑलराइट दर्शकों, बेल्जोडॉट टीवी ला रहा है ब्रांड न्यू शो, दिल ही दिल। दिल ही दिल, आप समझे दिल के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं क्या हर एक व्यक्ति समझती है दिल के बारे में? अरे इनकी गली में दिल खो गया, उनकी गली में दिल खो गया। एक मिनट, ये आपके, आप नहीं गा सकते। ठीक है, मैं जाने से बोलो। अरे आप ही बोल दो। अच्छा क्या तो ऐसी बात है कि हमारे दर्शकों, जवा दिल जवा मोहब्बत, हसीन निगाहें और हसीन बाहें चाहती हैं एक एक अपने चहेते माशूक और आशिकों के बारे में। कहीं न कहीं जब मीठी अनबन हो जाती है तो अभी तो आने तो दो वो लेटर्स, क्योंकि ये जो हमारा शो है इसमें ये हर माशूक की, हर आशिक की, हर दिल फेंकने वाले और दिल खोने वाले, दिल जलों की, दिल कितने प्रकार के दिल है आपके पास? शहरों को आपने देखा नहीं, जो शहर है इन्होंने दिल पर क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। और तभी हमने डिसाइड किया कि एक शो बना देते हैं कि जिनका दिल खो गया है और दिल खो जाने के बाद में मैं दो चार लाइन बताऊं क्या? मीठी मधुरी अनबन और जो ये बातों पे झगड़े होते हैं इसके ऊपर जो दर्शक होते हैं वो चाहते हैं कभी कभी कि हम इसे मशवरा दें, और इस मशवरे के लिए हम हाजिर हैं। मैं और दोस्तों, और शशिकांत जी दिल के ऊपर मशवरा देने वाले हैं? आप ऊपर नहीं, फिर क्या? दिल जब उलझ गए, जब जाके वहां पर कुछ ऐसी बातें बन गई कि इन्होंने मांगा गजरा और मिला कजरा भी नहीं, कुछ नहीं मिला, तब जाके चाहिए। अब देखो ना, मैंने ये जब शो शुरू किया, सारे आदमी लोग जो हो ना कुछ समझते नहीं। मैंने जब शो शुरू किया, लड़कियों की क्या क्या ख्वाहिशें होती है, उनको ऐसा लगता है कि बस चलो शादी हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा जी, लेकिन बात वहाँ खत्म नहीं होती। खत्म नहीं, प्यार के बहुत सारे पहलू जानने पड़ते हैं, है कि नहीं दर्शकों? अच्छा जी, तो फिर क्या? गजरा, कजरा और क्या क्या चाहिए? गुलाब, दिल वालों की बात तो दिल वाले ही जाने। गुलाब का, अरे हम क्या जाने, हम तो सिर्फ दिल देना चाहते, दिल देने के बाद में क्या होता है? दिल देना चाहते हो और ले लेते हो देने के बजाय। तो वो गाना है ना दर्शकों, मुद्दे पर आते हैं। एक सेकंड दर्शकों, वो जो गाना है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बता, सीखा कहाँ?
अरे जाने दो, जाने दो क्यों भाई? बातें हैं, असल में हमारे दर्शक यहाँ पर बड़े बेताब है ये जानने के लिए कि क्या क्या मशवरा है। अब हमारी अनबन हो गई, अभी हमने लोगों को बोला कि हम अपना ईमेल दे देते हैं, आप तुरंत हमें लेटर भेजिए, ईमेल कीजिए और तुरंत तुरंत हम मशवरा देंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको बता दें दर्शकों को कि हमारा ईमेल, दर्शकों आपके कोई भी दिल के बारे में उलझन हो बिल्कुल, तो सर्वप्रथम आप बेल्जो टीवी के लिए ईमेल कर सकते हो, जिसका ईमेल आईडी है ads.segiola@gmail.com। बिल्कुल, और मैं तो 24 घंटे आपके सामने रहती हूँ, बिल्कुल हटते नहीं। और जिसका ईमेल आईडी तो आपको अभी 62 हो ही गया होगा, फिर भी बता देती हूँ, harshagundala@gmail.com। और आगे ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतना बोला, अब मैं जैसे मुड़ा पीछे देखा तो कंप्यूटर में अनीता जी का ईमेल आ गया है, इशारा हो रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि अनीता जी का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई ऐसा ही बात हुआ, को इंसिडेंटली उन्होंने गजरा नहीं दिया और गजरा नहीं देने से इनके जो दिल खोने वाले माशूक थे वो क्या हुआ, उनसे वो नाराज हो गई। तो इन्होंने लिखा है अनीता जी ने कि भाई बेल्जो टीवी, आप हमें ये बता सकते हैं कि हमको तो गजरा नहीं मिला, तो हम नहीं चाहते हमसे बात करने के लिए। मतलब वो वाला, वो वाला गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। सुनिए तो सही, अब अनीता जी की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अनीता जी वहाँ गजरा है या गजरा, बड़े ही बेताबी से इंतजार कर रही हैं कि हमने गजरा गजरा नहीं हमको मिला तो मैं नाराज हो गई, तो अब वो मैं तो जाहिर है मैं बात नहीं करती हूँ उनसे। तो यहाँ से मिस्टर सुनील शर्मा इन्होंने लिखा है कि अभी इनको कैसे मनाया जाए, मनाया कैसे जाए, बिल्कुल। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है अनीता जी के लिए? मेरा कहना इतना है, अरे छोड़ो जी, जाने दो जी, अब तो गजरे की बात है, गजरे की बात है, लेकिन आगे तो बहुत सारी बातें होंगी, तो आप हर बात पे हर मोड़ पे अगर रुक जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आप ही फोन उठाइए और कर दीजिए अनीता जी को, तुरंत फोन कीजिए और तुरंत बात कीजिए उनसे, बिल्कुल नाराज मत रहिए, रुठने रुठने वालों को मना लीजिए। क्या कहती है अर्षा जी आप? अनीता जी का फोन नंबर कौन देगा? अनीता जी का फोन नंबर सुनील जी के पास है, वो प्राइवेट बात है, वो हम जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो दूसरा इशारा आ रहा है वहां से, दूसरा जल्दी जल्दी ईमेल जल्दी, भी आ गया है, जल्दी जल्दी। ये ईमेल में कहा गया है, अब कहते हैं देखो हमारे मनीषा जी का ईमेल है, कहते हैं कि 3 दिन से हमारे माशूक ने हमारा चेहरा नहीं देखा, कहते हैं कि ये जो साहब है वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर में कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने दूसरे किसी को पसंद कर लिया हो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मुश्किल। तो ये उलझन को सुलझाने के लिए बेल्जो टीवी को अभी अभी उन्होंने ईमेल किया है, और हम ये कहना चाहते हैं कि घबराए मत, घबराए मत, 3 दिन का 3 सदियां चली जाएगी, फिर भी मनीषा आपकी ही रहेगी, आपकी ही रहेगी। मनीषा जी को, अरे ये बंधन इतना नाजुक नहीं होता, बहुत मनीषा होता है। अगर 3 दिन आपको तड़पाई तो 3 सदियां तक आप उनको भी तड़पा सकते हैं, जरूर, क्यों तो नहीं भाई, हम भी कहीं काम नहीं। कि आप तुरंत मनीषा जी को कॉल लगाइए, बात कीजिए और फिर हमें जरूर बताइए कि बेल्जो टीवी ने जो सॉल्यूशन बताया इनका क्या असर हुआ। तो दिल की महफिल है, दिल सजा है और दिल रूठा है, और दिल दिल है। अब आप कोई गाना चाहते हैं तो मनीषा जी को हम इतना ही बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनो 3 दिन।